आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। मुनि प्रणीत सागर जी द्वारा लिखित पुस्तक बैठ कर या लेट कर का विमोचन आज बिसनहारी मढ़िया जी तीर्थस्थल में किया गया। उक्त मध्य क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे द्वारा किया गया। पुस्तक का विमोचन उक्त ग्रंथ प्रकाशक डॉक्टर मुकेश जैन एवं डॉक्टर गीता जी, अतुल जैन, आयुष जैन, आत्मिक जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक द्वारा पंथ प्रकाशित होन करने वालों की प्रशंसा की गई और इसी तरीके से धर्म आपको बता दें प्रभावना करने के लिए इसी तरीके धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करते रहना चाहिए। इस अवसर पर मानव अधिकार क्रांति संगठन के पदाधिकारी सदस्यों ने अपना सहयोग प्रदान किया, जिसमें सुदेश जैन, विनय डेविड, नरेंद्र पटेल, के साहू, प्रिंसेस सुमैया, सरभ जैन, यशवंत कोष्टा, आशीष जैन, सतीश जैन, सोनू, जेपी खरे, राजेश पांडे आदि मौजूद। आज प्रसन्नहारी की मढ़िया में सभी किताबों का विमोचन हुआ, जिसमें प्रणीत सागर द्वारा लिखित पुस्तक जिसको प्रकाशित करवाया डॉक्टर मुकेश जैन जी ने, और उसका आज विमोचन हुआ यहाँ पे प्रसन्नहारी की मढ़िया में। उसमें मतलब वो किताब का जो टाइटल है लेट कर या बैठ कर, तो मतलब ये जो किताब लिखी गई है वो उस लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए लिखी गई है, और ऐसे ही धर्म की प्रभावना को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो मतलब है कि धर्म की राह पर चल रहा है, और जन्म और मृत्यु दो चीज़ हैं, तो अपन का जन्म या मृत्यु ये दो चीज़ें हैं, जो जन्म होता है फिर मृत्यु भी होती है, लेकिन जो मतलब लेट कर या बैठ कर अगर ऐसा काम करें, ऐसा कर्म करें जो हमारी जो मृत्यु हो वो बैठ कर हो, तो बस इसी प्रभावना को लेकर आज पुस्तक का विमोचन हुआ है। आज हमारे सभी साथी मानव अधिकार क्रांति के रहे, और जो प्रकाशित करवाया है वो डॉक्टर मुकेश जैन ने। मैं डॉक्टर गीता, मानव अधिकार क्रांति प्रदेश अध्यक्ष। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।